बोकारो जिले के लगभग 100 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 100 छात्र छात्राओं को राज्य के बाहर दूसरे राज्य का शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया गया। वहीं कुलदीप अग्रवाल, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो द्वारा बताया गया कि ये कार्यक्रम वैसे बच्चों के लिए है जो सुदूरवर्ती विद्यालय में पढ़ते हैं और कहीं बाहर की जगहों की जानकारी नहीं रखते हैं। वैसे बच्चों को सरकार द्वारा बाहर के राज्यों में ले जाकर ऐतिहासिक जगहों पर घुमाकर उसके बारे में जानकारी दिलाई जाती है, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो। उसी क्रम में आज बच्चों को उड़ीसा राज्य के शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया गया है और उन्हें उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के विभिन्न दर्शनीय स्थानों के साथ विज्ञान केंद्र और संग्रहालय का भ्रमण करवाया जाएगा। वहीं कुछ बच्चों ने बताया कि ये भ्रमण हम लोगों के लिए ऐतिहासिक रहेगा। घर से अकेले जाने में तो डर लग रहा है, मगर जाना भी जरूरी है। कुछ बच्चों ने इस भ्रमण को रोचक बताया है और कुछ ने शिक्षा का ज्ञान बताया। मेरा भी सपना था कि हम ऐसे ही कहीं जगह घूमें जहाँ बस हम लोग दोस्त सब रहे, और ये घूमने के पहले हम मतलब ये टूर में आने से पहले मैंने अपनी मम्मी से भी कहा था कि हम एक दिन आपको पूरी ले के जाएंगे, तो मेरा तो सपना पूरा होने वाला है। लेकिन तो मैं क्या क्या नहीं आता हम लोग बाहर करके जाएंगे, और अच्छा ऐसा मौका कभी मिलता नहीं है दोबारा, और दूसरे से हम फ्रेंड भी रह सकते हैं, एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हर स्कूल से जो है बच्चे ऐतिहासिक स्थल और कई एक चीज़ें संग्रहालय, ठीक है, और ऐसी कई एक चीज़ें जो वहाँ पर देखने की हैं उनको हम लोग दिखाएंगे।